हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक के चैप्टर के बारे में। ड्यूटी ड्रॉबैक मीन्स ड्यूटी का ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मीन्स रिफंड या रिबेट। तो जब हम इंपोर्ट करते मटेरियल, उस पर जो भी टैक्स पे करते हैं उसका हमको रिफंड मिलना या उसका हमको रिबेट मिलना कंडीशंस फुलफिल करने पे, तो उसको बोलते हैं ड्रॉबैक। अब बात यह है कि एक्सपोर्ट में भी हमको कभी कभी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो उस पर जो रिफंड होता है वो रिफंड ड्रॉबैक में कवर नहीं है। इंपोर्ट के टाइम जो ड्यूटी हम पे करते हैं उस पर जो रिफंड होता है वो रिफंड ड्रॉबैक में कवर है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो वैसे भी एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी लगती ही नहीं है, और अंडर बॉन्ड जो रहता है एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट की ड्यूटीज इसमें कवर नहीं है। तो हम इंपोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक समझेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक समझने के लिए हमको सेक्शन 74 और सेक्शन 75 को समझना होगा। सेक्शन 74 ये बोलता है कि अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट करे हैं, गुड्स को इंपोर्ट करा है और एज सच आपने उसको बेच दिया है, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, वो गुड्स जब आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और उसे जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करा उस पेमेंट के 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको 74 में ड्रॉबैक मिल जाता है। ड्रॉबैक कितना मिलता है? ड्रॉबैक मिलता है इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने पे करी है उसका 98% का। 100% का ड्रॉबैक नहीं मिलता है, 98% का मिलता है। अब हो सकता है कभी कभी गुड्स आपने वेयर हाउस में रखे हो और वेयर हाउस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में 100% हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप गुड्स होम कंजम्पशन पे नहीं लेके आए थे। तो वही बात आती है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करा है एंड उसको विदाउट एनी यूज़ आप एक्सपोर्ट करे हैं, तो 98% लग जाता है ड्रॉबैक। मिनिमम एडिशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने गुड्स अगर 100 रुपीज़ में लेकर आए हो और उतने में ही आप बेच रहे हो, कोई मिनिमम कोई वैल्यू एडिशन आप नहीं कर रहे हो, तो भी आपको 74 के अंदर रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मिलेगा एक्सपोर्ट करने पे, और एक्सपोर्ट कब होता है? जब आप TWI को क्रॉस कर देते हो। अब बात यह आती है कि एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, तो इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ही अमाउंट मिलना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से पैट्रिएशन हो आपको रिफंड मिल जाएगा, और इस गुड्स को बैगेज के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब रही बात आती है 75 की, तो 75 मैन्युफैक्चरर के ऊपर अप्लाई होता है। क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो गुड्स इंपोर्ट नहीं करते, वो मटेरियल इंपोर्ट करते हैं बकायदा, वो मटेरियल को पूरा कन्वर्ट कर देते हैं गुड्स में, एक्सपोर्ट गुड्स में, एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को। तो अगर आपने कुछ नोटिफाइड गुड्स बेचे हैं, सभी एक्सपोर्ट गुड्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है, वो नोटिफाइड गुड्स पे एप्लीकेबल है। मतलब आपने मटेरियल परचेस करा और आपने नोटिफाइड एक्सपोर्ट गुड्स बनाए हैं और बेचे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सपोर्ट जो है आपको ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी उसका रिफंड मिल जाएगा। जो कैलकुलेशन होगा इंपोर्ट ड्यूटी के ड्रॉबैक का, वो 98% मतलब कि डायरेक्ट रेट में देके रखा है, वहाँ पर कैलकुलेशन होगा। वो कैलकुलेशन AIR ऑल इंडिया रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट के अकॉर्डिंग होगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं देके रखी है, जैसे 2 साल की देके रखी है सेक्शन 74 में, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं देके रखी है। आप कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स को, और इसमें वैल्यू एडिशन में ये बोल रहे हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को तो आपका इंपोर्ट मटेरियल की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू, तो ही एक्सपोर्ट करने का मतलब है, अदरवाइज एक्सपोर्ट करने का भी मतलब नहीं है। फिर बात आती है कि जो पैसे होने चाहिए वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होना चाहिए, और इसको एज अ बैगेज एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, मतलब आप एज अ बैगेज इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से 74 और 75 हमने समझा। अब 74 बोलता है कि ऐसा सच एक्सपोर्ट करना, पर हो सकता है कि हमने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया।
अब थोड़ा बहुत यूज़ करके अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो सिचुएशन में आपको 3 नोटिफिकेशंस के अंदर से निकलना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन 1 बोलता है कि अगर आपने 3 महीने तक उसको अपने पास रखा है, आपने होम कंजम्पशन पर 3 महीने ही अपने पास रखा है, तो 3 महीने तक ही वो होम कंजम्पशन में था तो 95%, 3 से 6 महीने हैं तो 85%, 6 से 9 75%, फिर 12 15 18 5% कम होता है और 18 से ज़्यादा पे निल। मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने यूज़ करा हो सकता है कि आपने होम कंजम्पशन पे गुड्स लेके आ गए हो, थोड़ा बहुत यूज़ करा हो और फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया हो। तो डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियरेंस ऑर्डर। तो क्लियरेंस ऑर्डर की डेट से जब आपने कस्टम कंट्रोल में प्लेस कर दिया गुड्स को, तो उसका ड्यूरेशन 3 महीने है तो 95% जो भी ड्यूटी है उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा, 6 महीने है तो 85, 9% है तो 75, तो ऐसे 2 बार 10-10% गिरेगा, फिर 12 15 18 में 3 बार 5-5% गिरेगा, 70, 65 और 60%, फिर 18 के बाद आपको कोई ड्यूटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपने गुड्स को 18 महीने तक यूज़ कर लिया है फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पर अब आता है सेकंड नोटिफिकेशन कि अगर मोटर कार इन्वॉल्व्ड है या कोई से गुड्स इन्वॉल्व्ड है जो आप प्राइवेट यूज़ करते हो और वो गुड्स को आप यूज़ करके बेच रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में चारों क्वार्टर में 4% का आपको जो है रिडक्शन होगा ड्रॉबैक में, सेकंड में 3%, थर्ड में 2.5 एंड देन फोर्थ ईयर में 2% का आपको रिडक्शन होगा ड्रॉबैक का। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉबैक। इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉबैक ये बोलता है क्या होता है कि ड्रॉबैक कभी आपको हो सकता है ज़्यादा पे कर दिया हो, कभी आपको कम हो सकता है कम पे कराओ। जब ज़्यादा पे कर दिया हो ड्रॉबैक असेसी को, तो सिचुएशन में गवर्नमेंट डिमांड करती है कि यार वापस हमको रिटर्न करो, नहीं तो हम कैसे ना कैसे आपसे रिकवर कर लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट की डिमांड के 2 महीने के अंदर अंदर आपने पे कर दिया तो अच्छी बात है, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, पर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब, मतलब इंटरेस्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, जब आपको पेमेंट कर दिया था और जब आपने पेमेंट वापस रिवर्ट करा है उनको, तो वो जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन देखी जाएगी। मतलब 1 तारीख को आपको पेमेंट करा ड्रॉबैक का, 15 तारीख को डिमांड करी और 30 तारीख को आपने रिटर्न करा, तो उस सिचुएशन में 15 से 30 तक का इंटरेस्ट नहीं, 1 से 30 तक का इंटरेस्ट आपको लगेगा। पर रिफंड के केस में अलग है, रिफंड के केस में जब समझ में आता है कि आपको ड्रॉबैक कब मिला है तो एक डिमांड ऑर्डर पास होता है कि आपको ड्रॉबैक मिलना चाहिए और ज़्यादा। डिमांड ऑर्डर 1 तारीख को मिला, 10 तारीख को आपको क्लेम भी करना पड़ेगा, ऑर्डर मिलने के बाद आपको बकायदा क्लेम भी करना पड़ता है, वो क्लेम के बाद एक महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट देती है तो अच्छी बात है, कोई रिफंड पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 1 महीने क्लेम करने के बाद भी 1 महीने तक रिफंड नहीं मिलता है तो 1 महीने के बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल में ऐसा इंटरेस्ट हमको असेसी के पेमेंट के दौरान भी होना चाहिए था, बट अब ऐसा ही है कि रिफंड में आपको उस टाइम से इंटरेस्ट लगेगा। तो डेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड में 6 है और पेमेंट में 15 है। अब हमने समझा था कि जब ड्रॉबैक का रिफंड का कैलकुलेशन होता है वो ऑल इंडिया रेट, स्पेशल ब्रांड रेट और ब्रांड रेट के अकॉर्डिंग होता है, तो स्पेशल ब्रांड रेट उस पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से ऑल इंडिया रेट तो ठीक है, नॉर्मली जो कैलकुलेट होता है वो जो रहता है वो कैलकुलेशन होता है अपने आप, मतलब कि वो जो नॉर्मली AIR जो कैलकुलेट होता है इंडस्ट्री वाइज वो रहता है। स्पेशल ब्रांड रेट होता है कुछ स्पेशल ब्रांड्स के लिए, स्पेशल कंपनीज के लिए कैलकुलेट होता है, वो स्पेसिफिक कंपनीज के लिए कैलकुलेट होता है, और जब कंपनी को लगता है कि जो कंपनी के लिए कैलकुलेट करा है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में कंपनी खुद जाती है असेसी के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, ACDC के पास, और बोलती है कि मेरा कैलकुलेट करो ब्रांड रेट, तो उसको बोलते हैं ब्रांड रेट।
स्पेशल ब्रांड रेट की बात तब आती है जब AIR से आपको रिफंड जो है इनपुट का वो 80% से कम मिल रहा है। अगर 80% भी मिल रहा होता तो हम AIR पे एक्सेप्ट कर लेते, पर अगर 80% से भी कम मिल रहा है तो फिर कंपनी को स्पेशल ब्रांड रेट पे जाना पड़ता है। और ब्रांड रेट तो तब यूज़ होता है जब इसकी बात नहीं आती AIR और स्पेशल ब्रांड रेट की, कंपनी की स्पेसिफिकेशन ही अलग है। तो उस सिचुएशन में कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर सकती है। अब ड्रॉबैक तो हमने समझ लिया, 98% है और रेट का कैलकुलेशन है, पर ड्रॉबैक का हम जब कंप्यूटेशन करते हैं वो कंप्यूटेशन के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पहले ये चेक करो कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो इम्पोर्टेड मटेरियल, इम्पोर्टेड गुड्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो उस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट के गुड्स, तब जाके आपको ड्रॉबैक मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट के गुड्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और फिर चलो अगर ज़्यादा है तो ड्रॉबैक आपको मिलेगा। ड्रॉबैक मिलेगा तो मिनिमम ड्रॉबैक 50 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम ड्रॉबैक मार्केट प्राइस का 1/3 होना चाहिए। सी, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाकायदा उसकी FOB और CIF निकलती है, पर अगर आप उसको इंडिया में बेचते हो तो इंडिया के होलसेल मार्केट में उसकी मार्केट प्राइस भी रहती है। तो हमको ये देखना है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी, वो आपके मार्केट प्राइस का 1/3 से ज़्यादा का ड्रॉबैक उस पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस का 1/3 होना चाहिए ड्रॉबैक, मतलब मार्केट प्राइस हमेशा ड्रॉबैक से ज़्यादा रहेगा, मीन्स मार्केट प्राइस ड्रॉबैक से कम नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है और फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर इंपोर्ट के टाइम पे ड्यूटी नहीं पे करी है तो फिर आपको ड्रॉबैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो बात आ गई है कि हमने जब एक्सपोर्ट करा तो बाकायदा हमको ड्रॉबैक मिल गया, ड्रॉबैक का रेट भी हमने देख लिया। अब कभी री इम्पोर्टेशन हो तो, एक्सपोर्ट करा है अब री इम्पोर्टेशन हो तो तब क्या होगा? तो अब हम ये समझते हैं सेक्शन 20 में बोला गया है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए थे, अब री इम्पोर्टेशन हुआ उन गुड्स का रिपेयर्स के लिए, अगर 3 साल में री इम्पोर्टेशन हो गया रिपेयर के लिए या 1 साल में री इम्पोर्ट हो गया रीप्रोसेसिंग के लिए है या रीमेकिंग के लिए या रीफाइनिंग के लिए, तो उसमें अगर इम्पोर्ट के बाद 6 महीने में अगर वापस री एक्सपोर्ट हो जाता है तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और अगर आपको 6 महीने में अगर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। सेकेंड आता है कि गुड्स जो बाहर मैन्युफैक्चर हुए थे तो हमने एक्सपोर्ट करा रिपेयर के लिए, पहले में हमने पढ़ा कि इम्पोर्ट हुआ रिपेयर के लिए, सेकेंड में है हमने एक्सपोर्ट करा रिपेयर के लिए, और तो उसमें आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। जब एक्सपोर्ट होगा रिपेयर के लिए तो वापस री इम्पोर्ट होगा, तो जो इम्पोर्टेशन होगा तो उसमें आपको ड्यूटी जो पे करनी पड़ेगी वो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, जो रिपेयर में जो फेयर कॉस्ट लगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर्स, जो मटेरियल का यूज़ हुआ रिपेयर में। अब हो सकता है कि वो गुड्स वारंटी पीरियड में थे, जो अगर आपने एक्सपोर्ट करे है गुड्स को रिपेयर के लिए, वो हो सकता है कि जब आपने एक्सपोर्ट करे वो वारंटी पीरियड में थे तो आपसे कुछ चार्ज नहीं करा, पर फिर भी आपको इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी। एंड जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट है टू एंड फ्रो में दोनों टाइम, तो वो भी ऐड होकर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब BCD IGST ये सब पे करना पड़ेगा। अब बात यह आती है एक और कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे थे, ड्रॉबैक लिया, पर वो री इम्पोर्ट हो गए क्योंकि वहाँ पर रिजेक्शन हो गया माल का, तो उस सिचुएशन में आपने जितना भी ड्रॉबैक क्लेम करा था वो आप उनको पे कर दो। या और अगर आपने एक्सपोर्ट करा है, जब आपने एक्सपोर्ट करा था वो अंडर बॉन्ड करा था,
और उस एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, तो उस सिचुएशन में आपको फिर ड्यूटी भरनी पड़ेगी। नहीं, ये सॉरी, ये गलत बोला मैंने। जब हो सकता है कि आपने गुड्स इंपोर्ट करे हो और इंपोर्ट में आपने बॉन्ड भर दिया था कि यार हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो ठीक है, हमसे ड्यूटी मत चार्ज करो, तो उस सिचुएशन में आपको, आपने जितने रुपए का बॉन्ड भरा था, जिस ड्यूटी के रिस्पेक्ट में आपने बॉन्ड भरा था, वो ड्यूटी आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। एंड यही चीज़ें बता के रखी इसमें। एंड इस तरीके से ड्रॉबैक का चैप्टर ओवर होता है। एंड इस तरीके से आप ड्रॉबैक के कैलकुलेशंस कर सकते हो। एक अमेंडमेंट है इसमें, वो ऐसा है कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिया में और जो रिपेयर के लिए बाहर गया, तो उसमें यही था कि जो रिपेयर के लिए बाहर गया है तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, भले ही एक्चुअल में इंकर्ड नहीं किया हो, भले ही वो वारंटी पीरियड में हो, और टू एंड फ्रो का इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसकी बात हुई थी। तो इस तरीके से इसमें ही एक अमेंडमेंट आया है कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर इन इंडिया हुए हैं वो एक्सपोर्ट हुए, अब एक्सपोर्ट करते टाइम ख़राबी आई तो वापस री इम्पोर्ट करें रिपेयर के लिए। तो अगर 7 साल में री इम्पोर्टेशन हो गया है और री इम्पोर्टेशन के बाद इंडिया में रिपेयर होके वापस री एक्सपोर्ट हो गया है 1 साल के अंदर अंदर, तो री इम्पोर्टेशन के 1 साल के अंदर अगर री एक्सपोर्ट हो गया है, तो उस सिचुएशन में जो आपने री इम्पोर्ट के टाइम ड्यूटी लेवी होती है और जो आपने गुड्स को फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट करा था तब जो ड्यूटी पे करी थी, वो डिफरेंस आपको नहीं पे करना पड़ेगा, वो डिफरेंस आप एग्जेम्प्ट रहोगे। पर अगर 1 साल के बाद भी, 1 साल के बाद अगर आप री एक्सपोर्ट करते हो, तो फर्स्ट टाइम जो आपने गुड्स को इम्पोर्ट करा था वो इम्पोर्ट के टाइम जो ड्यूटी पे करी थी, सपोज़ करो 100 रुपये, फिर आपने एक्सपोर्ट करा, उसमें दिक्कतें आई, फिर री इम्पोर्टेशन हुआ तो उस पे जो ड्यूटी बनती है वो सपोज़ बनती है 150 रुपये, तो उसमें वो 50 का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉबैक के अमेंडमेंट ओवर होते हैं, एंड इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं।